Hello everyone, welcome to the matrix classes. कैबिनेट ने सीईटी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एनआरए का गठन करने की अनुमति दी है. एनआरए और सीईटी क्या है देखते हैं. एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. ये एजेंसी सीईटी एग्जाम लेंगी. सीईटी एग्जाम कॉमन एग्जाम होगा, टायर वन टेस्ट होगा कॉमनली, जो नॉन टेक्निकल एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस के एग्जाम्स लेगी. फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एनआरए और सीईटी के से रिलेटेड. तो देखते हैं, पहला पॉइंट, कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए है उसका क्रिएशन करने के लिए. तो उसमें और पॉइंट्स देखते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीईटी. जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे सीईटी ये नाम है, वो कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग करेगी फर्स्ट लेवल. कौन से एग्ज़ाम्स के? सारे एसएससी आरआरबीज और आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के. जो आईबीपीएस आरआरबीज और एसएससी के जो फर्स्ट लेवल होंगे वो सारे कंडक्ट करेगी एज अ सीईटी. एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जो लेगी एनआरए. फिर एग्ज़ाम कैसी होगी? कंप्यूटर बेस्ड होगी. ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन सीईटी होगा कंप्यूटर बेस्ड. ग्रेजुएट्स के लिए हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ, जो ट्वेल्थ पास होते हैं, मैट्रिकुलेट जो टेंथ पास होते हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए हो गए. मतलब तीन सीईटी ली जाएंगी. पहली होगी वो होगी ग्रेजुएट्स के लिए, दूसरी हायर सेकेंडरी दैट इज़ ट्वेल्थ पास जो हो गए उनके लिए, और तीसरी मैट्रिकुलेट सीईटी होगी जो टेंथ पास के लिए, टेंथ पास कैंडिडेट के लिए होगी. ऐसे तीन सीईटी होगी ऑल ओवर इंडिया में. फॉर किस किन किन एग्ज़ाम के? टायर वन के लिए एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस. फिर देखते हैं, मल्टी एजेंसी बॉडी कॉल्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज़ एनआरए. ये एनआरए एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जो कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. एक सीईटी कंडक्ट करेगी, उसमें से स्क्रीन या शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स. उसमें से कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट. जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के, जो आईबीपीएस एसएससी और आरआरबीज लेते थे, उनका सिर्फ प्री लेंगे. आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री. तो कंट्रीज़ में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन, एटलीस्ट एक एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर होगा. फिर देखते हैं, अंडर एनआरए द कैंडिडेट्स बाय अपेयरिंग वन एग्जामिनेशन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट फॉर मेनी पोस्ट. तो एनआरए के अंडर जो सीईटी देंगे वो एक एग्जामिनेशन अपीयर करके, एक एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होके बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए कम्पीट कर सकते हैं. उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब कंपटीशन तो बढ़ेगा. पहले एसएससी वाले बैंक का फॉर्म नहीं भरते थे, बैंक वाले एसएससी का फॉर्म नहीं भरते थे. अब एक एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए दो रास्ते होंगे, मीन्स कंपटीशन बढ़ेगा. सो अपॉर्चुनिटी होगी उन्हें अलग अलग पोस्ट में कॉम्पीट करने के लिए. फिर एनआरए विल कंडक्ट फर्स्ट लेवल टायर वन एग्जामिनेशन. तो एनआरए कंडक्ट करेगा फर्स्ट लेवल, या जिसे हम टायर वन या फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो एनआरए कंडक्ट करेगा एज अ सीईटी. फिर आगे देखते हैं, द सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनका स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, मतलब सीईटी का स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा. एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के डेट से 3 ईयर्स तक वैलिड होगा सीईटी स्कोर. फिर द बेस्ट ऑफ वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स. तो 3 ईयर्स में 6 टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो जितने बार एग्ज़ाम दिए उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा, 3 साल में का जो बेस्ट स्कोर होगा, वो स्कोर
एज अ करंट स्कोर या कैंडिडेट का स्कोर जाना माना जाएगा. फिर देखते हैं, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट टू अपेयर इन सीईटी सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट. तो सीईटी एग्जाम देने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए नो लिमिट्स या नो रिस्ट्रिक्शंस. कितने भी बार एक कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है, बस एक होगा अपर एज लिमिट का. अपर एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन होगा सिर्फ. आगे देखते हैं, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज. तो जो रिलैक्सेशन होगा अपर एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कैंडिडेट्स को मिलेगा एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स और दूसरे कैटेगरीज जो एक्सटेंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम. फिर जो गवर्नमेंट के एक्सटेंड पॉलिसी में जो अदर कैटेगरीज के आते हैं एससी एसटी ओबीसी और दूसरे कैटेगरी जो भी आते हैं उनको अपर एज लिमिट वाला रिलैक्सेशन मिलेगा. बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग डन एट सीईटी स्कोर लेवल फाइनल सिलेक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर्स टायर 2 टायर 3 एक्सेट्रा ऑफ द एग्जामिनेशन विच शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी. जैसे कि मैंने कहा था सीईटी एग्जाम होगी जो NRA कंडक्ट करेगी वो सिर्फ टायर 1 के लिए होगा. फिर जो हमारा टायर 2 और टायर 3 होता है जो मेंस इंटरव्यू वाला नेक्स्ट टायर्स होते हैं टायर 1 टायर 2 और टायर 3 और आगे के प्रोसीजर्स वाले टायर्स वो सारे रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी लेंगे. जैसे जो कि RRB SSC और IBPS जैसे पहले लेती थी वैसे ही. सिर्फ प्री एग्ज़ाम CET होगा जो NRA कंडक्ट करेगा. द करिकुलम फॉर द टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी स्टैंडर्ड. तो जो सिलेबस होगा वो स्टैंडर्ड होगा जो कि अभी तक बताया नहीं है क्या होगा सिलेबस. सिलेबस में बहुत कुछ हो सकता है या बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है. जैसे SSC के प्री में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स थे. तो ये सारे GS के सब्जेक्ट्स प्लस क्वांट रीजनिंग हो सकता है या सिर्फ क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश भी हो सकता है. तो अभी तक सिलेबस के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं आया. फिर आगे देखते हैं, CET द CET वुड अवेलेबल इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. तो CET बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी. अब जिस भी लैंग्वेज में अभी तक बताया नहीं है कि 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगी या कितने लैंग्वेजेस में होगी, पर बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो सकती है. अवेलेबल इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. तो इनिशियली द स्कोर वुड बी यूज्ड बाय द 3 मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसीज. तो अभी के लिए तो ये स्कोर जो CET का स्कोर होगा वो 3 मेजर एजेंसीज यूज़ करेगी, जैसे जो कि RRB IBPS और SSC. ये 3 मेजर एजेंसीज है जो कि अभी CET का इनिशियली जो स्कोर आएगा टायर 1 के लिए RRB IBPS और SSC ये तीनों एजेंसी यूज़ करेंगे. फिर However, over a period of time, it is expected that other recruitment agencies in the central government would adopt the same. तो कुछ टाइम के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेती है वो भी सेम अडॉप्ट करेंगी उनके प्री एग्जाम्स के लिए. फर्दर इट वुड बी ओपन फॉर द अदर एजेंसीज इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट डोमेन टू अडॉप्ट इफ दे सो चूज. तो अगर प्राइवेट को भी उनका प्री इस एग्ज़ाम के थ्रू मतलब इस स्कोर के थ्रू लेना है तो वो ले सकती है अगर उनकी इच्छा हो तो. फिर द गवर्नमेंट हैज सैक्शनड अ सम ऑफ रुपीज़ 1517.57 करोड़ फॉर द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. तो गवर्नमेंट ने 1517.57 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी.
तो NRA के लिए इतना अमाउंट सैंक्शन किया है। फिर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम कितने टाइम होंगे, तो एक साल में दो बार एग्ज़ाम होगी, टू टाइम्स CET ली जाएंगी एक साल में। तो टॉप स्कोर कैसा पकड़ा जाएगा, तीन साल में का जो टॉप स्कोर होगा, तीन साल में आप छः बार दे सकते हो, आपने जितने बार भी दिया होगा उसमें जो स्कोर आया होगा तीन साल में, उसमें से टॉप स्कोर जो होगा वह पकड़ा जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यूज़ किया गया है, कंपटीशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।